हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम्स लाइब्रेरी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़ को स्किप मत कीजिए। प्लेलिस्ट में जाके इस सीरीज़ को कंप्लीट वॉच करें। बिल्कुल शॉर्ट क्लिप्स क्रिएट किए हैं जो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आने वाले जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स में। एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन दोस्तों आपको दिख सकते हैं आने वाले पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम में इस सीरीज़ से। क्वेश्चन 14 जो इस सीरीज से मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, वो एक कम्बो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। क्वेश्चन है, गौरी मार्ग द एंशियंट नेम ऑफ गुलमार्ग चेंज्ड बाय यूसुफ शाह चक ऑफ चक डायनेस्टी ऑफ कश्मीर आल्सो कॉल्ड। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गौरी मार्ग जो पुराना नाम था किसका दोस्तों, गुलमार्ग का, जिसको चेंज किया था यूसुफ शाह ने, जो किस डायनेस्टी का शासक था, चक डायनेस्टी का शासक था। इसी गुलमर्ग को किस नाम से जाना जाता है या फिर गुलमर्ग किसके लिए फेमस है, आपको वह नाम बताना है। सबसे पहले यूसुफ शाह चक कौन था दोस्तों, ये एक चक डायनेस्टी का शासक था, जो हस्बैंड था पोल्टेस हब्बा खातून का। हब्बा खातून को दोस्तों नाइटिंगल ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है तो है एफ पार्ट। गुलमर्ग को क्या कहा जाता है, मिड ऑफ फ्लावर्स या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से किसको जाना जाता है, गुलमर्ग को जाना जाता है। पहलगाम को वैली ऑफ शिवर्स के नाम से जाना जाता है। एंगुलर पैराडाइज भी पहलगाम को ही कहा जाता है और विलेज ऑफ नोमैड्स के नाम से भी पहलगाम को ही जाना जाता है। लैंड ऑफ अमरी किसे कहा जाता है, शोपियान को कहा जाता है। फ्रेंड्स कन्फ्यूज मत होना, लैंड ऑफ अमरी शोपियान को कहा जाता है और एप्पल टाउन किसको कहा जाता है, सोपोर को। एप्पल टाउन किसको कहा जाता है दोस्तों, सोपोर को। जम्मू को लैंड ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है, मिड ऑफ गोल्ड सोनमर्ग को कहा जाता है। सिटी ऑफ सूफीज के नाम से कठुआ को जाना जाता है। फ्रेंड्स कठुआ में आपको बहुत ज़्यादा सूफी श्राइन्स देखने को मिलेंगे, उसी कारण कठुआ को सिटी ऑफ सूफीज के नाम से जाना जाता है। कश्मीर को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है और भद्रवाह को छोटा कश्मीर के नाम से जाना जाता है। परमंडल को छोटा काशी कहा जाता है। श्रीनगर विंड्स ऑफ ईस्ट या फिर न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, श्रीनगर को कहा जाता है। भलेसा दी लैंड ऑफ भाज के नाम से जाना जाता है और ये भलेसा कहाँ पे है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट डोडा में। सोपुर एप्पल टाउन आपको मैं पहले बता चुका हूँ। पंपोर फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में, अगर केसर की सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन या प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, पंपोर में होती है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, पंपोर को क्या कहा जाता है, सैफ्रन बाउल ऑफ कश्मीर। पुलवामा राइस बाउल ऑफ कश्मीर, पहले राइस बाउल ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता था, कुलगाम को, अब किसे कहा जाता है, पुलवामा को। फ्रेंड्स पुलवामा को ही दूधकुल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है और आनंद ऑफ कश्मीर भी किसको कहा जाता है, पुलवामा को ही कहा जाता है। लखनपुर और कठुआ को गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता है या फिर गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसे कहा जाता है दोस्तों, लखनपुर और कठुआ डिस्ट्रिक्ट को गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है। फ्रेंड्स लैंड ऑफ 10 विलेजेस किसे कहा जाता है, दच्छीगाम को। दच्छीगाम जो है तो ये कश्मीरी लैंग्वेज का वर्ड है। दच्छी का मतलब होता है दोस्तों 10 और गांव का मतलब होता है विलेज। तो लैंड ऑफ 10 विलेजेस किसे कहा जाता है, दच्छी गांव को कहा जाता है। किस धरती को दोस्तों नीलम की खान के लिए जाना जाता है, तो वो है किश्तवाड़। लेकिन पार्टिकुलरली रीजन कौन सा है दोस्तों, तो वो है पाटर। पाटर में सबसे ज्यादा नीलम पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। दूध पथरी मिल्क विलेज या फिर विलेज ऑफ मिल्क के नाम से दूध पथरी को जाना जाता है। लेकिन याद रखना दोस्तों झिरी को भी मिल्क विलेज के नाम से जाना जाता है, दूध पथरी को ही नहीं झिरी को भी मिल्क विलेज के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स अनंतनाग दो हिंदी वर्ड से बना हुआ है। अनंत का मतलब होता है काउंटलेस और नाग का मतलब होता है स्प्रिंग। क्या दोस्तों लैंड ऑफ स्प्रिंग्स अनंतनाग को कहा जाता है या फिर बडगाम को कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर ये आंसर शेयर करें। और साथ में गेटवे ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, क्या वेरीनाग को गेटवे ऑफ कश्मीर कहा जाता है, बनिहाल को कहा जाता है,
काजीकुंड को, बारामूला को या फिर अनंतनाग को गेटवे ऑफ कश्मीर कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए दो। फ्रेंड्स जिसको ये छोटा सा कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।